race. Bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change. Play the game that we say. I need a break. Assalamu alaikum. Lecture number 59 mein hum question number 3 ke part 6 क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 6.5 के लास्ट पार्ट को सोल्व करेंगे, जिसमें हमें क्वेश्चन के बारे में 13x माइनस वाई इक्वल टू 14, 2x माइनस 7y इक्वल टू 9, ये हमें बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ये इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, जो कि हमारे पेज नंबर 109 के ऊपर सिम टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन है। तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इसकी जनरल टर्म को देखना पड़ेगा। अगर इसकी जनरल टर्म को देखें तो a1x b1y प्लस c1 है इक्वल टू जीरो और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो है, लेकिन हमारा जो गिवन क्वेश्चन है वो इक्वल टू कुछ समथिंग वैल्यूज के है, तो हमें क्या करना पड़ेगा इसको इक्वल टू जीरो बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इन जो दो इधर के इसको हमें उधर लेके जाना है। तो 13x माइनस वाई प्लस का 14 इधर आ गया, माइनस का 14 इक्वल टू जीरो हो गया इक्वल टू जीरो। उसके बाद 2x माइनस 7y इक्वल टू 9 है, तो प्लस का 9 है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस का 9 इक्वल टू जीरो। अब ये जनरल टर्म बन चुकी है, इसको हम नाम देंगे 1 का, इसको नाम देंगे 2 का। अब इसमें से हमें क्या निकालना है, कोफिशिएंट्स की वैल्यू a1 b1 b1 c1 a2 b2 c2 की। कोफिशिएंट a1 यानी 13, b1 की वैल्यू क्या है माइनस का 1 कुछ नहीं, तो c1 की वैल्यू माइनस 14, a2 की वैल्यू हमारे पास 2, b2 की वैल्यू माइनस 7, c2 की वैल्यू हमारे पास माइनस का 9। अभी हमें इस फार्मूले में पुट करना है इन सब वैल्यूज को। तो x अपॉन ड्राइंग है ना, a1 यानी सबसे पहले क्या है b1 b1 c2 माइनस 1 माइनस 9, उसके बाद माइनस b2 c1 b2 c1 मीन माइनस 7 और माइनस का 14, उसके बाद इक्वल टू y अपान c1 a2। c1 क्या है, c1 a2 माइनस 14 प्लस का 2 माइनस a1 c2 a1 c2 यानी 13 मल्टीप्लाई बाय माइनस 9 इक्वल टू 1 अपान a1 b2 a1 b2 यानी कि 13 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 7, उसके बाद माइनस a2 b1 यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो x, इसके लिए हमें एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है। तो x अपान माइनस टू माइनस प्लस 9, माइनस टू माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस 14 7 ज़ा 14 7 ज़ा मीन 14 5 ज़ा 70 एंड 14 2 ज़ा 28, 70 प्लस 28 कितना हो जाएगा 98 इक्वल टू y माइनस का 14 2 ज़ा 28 माइनस प्लस माइनस टू माइनस प्लस 13 9 ज़ा 13 मल्टीप्लाई बाय 9, 13 9 ज़ा होगा 117 इक्वल टू 1 अपॉन 13 7 ज़ा क्या होगा हमारे पास 13 7 ज़ा मीन 65 एंड 20 85 प्लस 6 91 माइनस का माइनस टू माइनस प्लस प्लस का 2। अब x माइनस 9 में से 89 गए, 9 में से 98 गए तो 89 माइनस का y अपान माइनस माइनस टू माइनस प्लस माइनस 28 प्लस के 17, 17 में जाएंगे तो 90 में तो मानेगा 89 इक्वल टू 1 अपॉन 91 में से गए तो माइनस के 89। अब हमारे पास ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल, इसको अलग अलग करेंगे। x अपान माइनस 89 इक्वल टू 1 अपान माइनस 89 एंड y अपान 89 इक्वल टू 1 अपान माइनस 89। तो अब 89 नीचे क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो उधर जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा।
तो x इक्वल टू -89 अपॉन -89 एंड y 89 डिवाइड करा दरा क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो 89 वन सा 89, 89 अपॉन -89। अब हमारे पास ये डिवाइड होगा, तो 89 वन सा 89, 89 वन सा 89, माइनस माइनस से गया तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 1। और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 89 वन सा 89, 89 वन सा 89, तो माइनस का 1 अपॉन 1, तो y की वैल्यू क्या आई, माइनस का 1। तुम्हारे पास फाइनल आंसर बनेगा एक्स कमा वाई इक्वल टू 1 -1। तो यहाँ पे आज हमारी एक्सरसाइज 6.5 कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम 6.6 को स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारा हर आने वाली न्यू अपडेट आप तक पहुँच रहे। अल्लाह हाफिज़। Got a taste, can't